नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। देश में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिली है। केरल और महाराष्ट्र में कोरोना के मामले सबसे ज्यादा सामने आए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों की बात की जाए तो हाल फिलहाल स्थिति सामान्य है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक कर नाइट कर्फ्यू के आदेश दिए हैं। आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि रात 10 बजे के बाद पुलिस हूटर बजाकर दुकानें बंद कराए। बताते चलें कि देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका है और इसे देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभी से अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं वैक्सीनेशन की बात की जाए तो देश में खासतौर से यूपी में तेजी से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। दूसरे राज्यों में कोरोना के केस फिर तेजी से बढ़ते देख योगी सरकार सतर्क हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाइट कर्फ्यू के उल्लंघन पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अधिकारी सुनिश्चित करें कि रात 10 बजे तक हर हाल में दुकानें बंद हो जाएं। देश में कल भी केसों में बड़ा उछाल दिखा। पिछले 24 घंटे में 46,164 नए कोरोना के मामले सामने आए। ये एक दिन पहले के आंकड़ों से 22% ज्यादा है। 56 दिन बाद एक दिन में इतने केस मिले हैं। सबसे बुरा हाल केरल और महाराष्ट्र का है। सीएम योगी ने टीम 9 की बैठक में कहा कि नाइट कर्फ्यू को प्रभावी बनाया जाए। पुलिस की टीमें हूटर बजाकर चेतावनी दें ताकि 10 बजे तक दुकानें बंद हो जाएं। बता दें, राजधानी में नाइट कर्फ्यू का लगातार उल्लंघन कर देर रात तक रेस्टोरेंट और बार खोले जा रहे थे, जिसके बाद सीएम योगी ने ये निर्देश जारी किए हैं। देश में कल 46,000 से ज्यादा नए केस सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,25,58,530 हो गई। एक्टिव मरीजों की संख्या भी 3,33,725 हो गई है। सबसे ज्यादा 31,445 केस केरल में मिले। इस दौरान 607 और लोगों की मौत भी हो गई। का हाल अपेक्षाकृत बेहतर रहा। राज्य में पिछले 24 घंटे में 2,16,000 से अधिक सैंपल जांचे गए। इस दौरान 19 नए मरीज मिले, जबकि 22 डिस्चार्ज हुए। लखनऊ में 2 नए केस मिले, जबकि 60 जिलों में एक भी नया मरीज नहीं मिला। कोविड से 24 घंटों में एक भी मौत नहीं हुई। प्रदेश में एक्टिव केस घटकर 342 रह गए। प्रदेश में अब तक 6,61,00,000 से अधिक वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। वहीं उत्तर प्रदेश कितना तैयार है विपरीत स्थिति से निपटने के लिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर राजेश प्रजापति जुड़ चुके हैं, फिजिशियन है। वहीं दिलीप यशवर्धन, राजनीतिक विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 40,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। डॉक्टर राजेश प्रजापति, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके की स्थिति दूसरी लहर के दौरान उत्तर प्रदेश ने खासतौर पर देखी, क्या तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार है स्वास्थ्य विभाग? धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। जिस प्रकार डॉक्टर राजेश प्रजापति, आवाज आ रही है आपको? जी मैं कह रहा हूँ, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि केरला में केसेस बढ़ रहे हैं और लगभग 31,000 केसेस अकेले केरला से हैं, महाराष्ट्र में भी केसेस बढ़ रहे हैं और मध्य प्रदेश से भी अभी कुछ मामले आए हैं जो डेल्टा प्लस वेरियंट के हैं। तो कुल मिला के जो देखा जा रहा है कि जो डेल्टा प्लस वेरियंट है या जो
थर्ड वेव जिसे हम बोलते हैं, जो किसी भी नए वेरिएंट की वजह से हो सकती है, तो इसके आने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। हालांकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि लगभग 342 ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए हैं, जो पीडियाट्रिक इंटेंसिव के यूनिट है वो बनाई गई हैं, तो लग रहा है कि हाँ उत्तर प्रदेश सरकार इसमें सीरियसली एक सेकेंड वेव से एक सबक सीखते हुए सही तरीके से काम कर रही है। लेकिन जो जनता का रुख है, जो जिसे हम बोलते हैं कि अगर व्यक्ति लोग खुद से ही अगर जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर उसको फॉलो नहीं करेंगे तो थर्ड वेव आने की आशंका बढ़ जाएगी। बिल्कुल, जनता का रोल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपने बहुत बड़ी बात की है कि लापरवाही जो है वो कोरोना की स्थिति को बिगाड़ सकती है। दिलीप यशवर्धन जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से सरकार ने पिछली बार की अगर बात की जाए, दूसरी लहर के दौरान जब चुनाव चल रहे थे और उत्तर प्रदेश सरकार बिजी थी चुनाव में, इसमें कोई दो राय नहीं है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैलियां कर रहे थे जब कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी यूपी में, और एकाएक जब इजाफा इतना ज्यादा हो गया कि कंट्रोल करने की स्थिति में नहीं रही सरकार, क्या लगता है क्या तीसरी लहर के दौरान भी इसी तरीके की स्थिति सामने आएगी या इससे निपटने के लिए सरकार तैयार? अदिति, उम्मीद तो ये की जा सकती है कि जो गलतियां पिछली बार सरकार के तरफ से हुई थी वो इस बार नहीं होंगी, क्योंकि सरकार ने पिछली बार भी काफी तैयारी की थी और इस बार मुझे पहले तैयारी के साथ साथ कुछ सावधानियां सरकार को भी बरतने की जरूरत है। आपसे अगला सवाल है, व्यवस्थाओं की बात हमेशा की जाती है, लेकिन इस बार जो तीसरा वेरिएंट है, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बच्चों के लिए काफी घातक साबित हो सकता है। वहीं वैक्सीनेशन की अगर बात की जाए तो बच्चों के लिए वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई है, क्या कहेंगे? और उसके बावजूद भी छोटे बच्चों के स्कूल खोलने को आदेश कर दिया गया है, तो ये सरकार का जो आदेश है कहीं से भी जनहित में नहीं है। 3 तारीख से छोटे बच्चों का केजी नर्सरी फर्स्ट क्लास तक के बच्चों का स्कूल खोलने की बात हुई है, स्कूलों से पेरेंट्स के पास नोटिस पहुंच गई है कि मंडे से आपको बच्चों को स्कूल भेजना है। तो ये जो छोटे बच्चों के स्कूल खोलने का सरकार का फैसला है, ये फैसला कहीं से भी हित में नहीं है और ये सरकार को फिर मुसीबत में डालेगा। सरकार को तो मुसीबत में डालेगा प्रशासनिक रूप से, लेकिन जिन परिवारों के बच्चे स्कूल जा रहे हैं उन परिवार के बच्चों को अगर कहीं कोई दिक्कत होगी तो उसकी भरपाई सरकार नहीं कर पाएगी। तो मेरा आप इस चैनल के माध्यम से निवेदन है सरकार से कि फिलहाल छोटे बच्चों को स्कूल बुलाने का जो आदेश है उसको रद्द करना चाहिए, जब तक हम पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं हो जाते हैं कि कोरोना खत्म हो गया है या छोटे बच्चों की वैक्सीन नहीं आ जाती। अभी 18 से नीचे वाले बच्चों को वैक्सीन भी नहीं लगी है और अभी उसकी कहीं कोई तैयारी भी नहीं दिख रही है, सरकार की तरफ से भी कहीं कोई सूचना इस तरह की नहीं आ रही कि इस डेट तक हम बच्चों को लगा देंगे। तो इस स्थिति को मद्देनजर रखते हुए और पिछला जो सेकेंड वेव गई है उस सेकेंड वेव में जो लोगों का पारिवारिक नुकसान हुआ है, लोगों के जानमाल का नुकसान हुआ है, उस नुकसान को मद्देनजर रखते हुए सरकार की संवेदनशीलता यही कहती है कि एटलीस्ट बच्चों का स्कूल अभी ना खुले। बिल्कुल, लेकिन डॉक्टर राजेश, जिस तरीके से जो चिंता व्यक्त की जा रही है बच्चों को लेकर, इसी से जुड़ा दूसरा अहम सवाल मेरा ये है कि अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई थी जिसमें बताया गया था कि उत्तर प्रदेश में डॉक्टर्स की और खास तौर से बच्चों के डॉक्टर्स की भारी कमी है। एक डॉक्टर है और 23,000 बच्चे हैं, 23,000 बच्चों पर यूपी में एक डॉक्टर है। ऐसे में अगर स्थिति आती है, तीसरा वेरिएंट आता है, बच्चों को नुकसान पहुंचाता है, तो इससे कैसे निपटेगा स्वास्थ्य विभाग? आपने बिल्कुल सही आशंका जाहिर की है कि उत्तर प्रदेश में क्या, अगर पूरे देश की बात करें तो भी वैसे ही हमारा जो डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो है वो काफी कम है और अगर हम बच्चों के डॉक्टर्स की बात करें तो और भी ज्यादा कम है। लेकिन मैं जो बहुत सारे लोग इस आशंका को जाहिर कर रहे हैं कि बच्चों में ये लहर ज्यादा खतरनाक होगी और विशेषकर बच्चों के लिए ज्यादा समस्या होगी, मैं उसको बहुत ज्यादा अनुमोदित नहीं करता, मैं उससे बहुत ज्यादा समर्थन नहीं करता। उसकी एक वजह है, बच्चों का इम्यून सिस्टम एडल्ट के मुकाबले काफी अच्छा होता है और दूसरी बात जो है कि बच्चों में जो कोरोना के सीरियस अफेक्शन होने के चांसेस हैं वो लेस देन 1% होते हैं, मतलब 1 in 1 lakh। वो भी ऐसे बच्चे जो पहले से किसी न किसी को मॉर्बिड कंडीशन की वजह से, या जैसे हम बोले कि उनमें पहले से कोई
कंजेनाइटल प्रॉब्लम है या किसी और प्रकार की बीमारी से जूझ रहे हैं, ऐसे बच्चों में आशंका ज्यादा होती है। तो हाँ, लेकिन अभी जैसे आप देख रहे हैं कि राइडर्स कोविड कैडिला की जो वैक्सीन है उसको 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए अप्रूवल मिल चुका है और हो सकता है कि अगले महीने तक वो मार्केट में आ जाए और लगनी भी शुरू हो जाए। तो हालांकि ये बात सही है कि हमारा जो सिस्टम है जो जिसमें हम बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं पीडियाट्रिक डॉक्टर्स की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी कम है, क्योंकि ये एक दिन में नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक ही दिन में नंबर ऑफ पीडियाट्रिक डॉक्टर्स बढ़ा दें या सर्विसेज बढ़ा दें। कि एक ढांचागत व्यवस्था होती है, उसको बनाने में समय लगता है। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि हमारी जो सारी की सारी कोरोना से लड़ाई की का जो तरीका है वो सिर्फ वैक्सीन पे बेस्ड नहीं होना चाहिए। हमें वैक्सीन के अलावा भी कि अगर मान लीजिए कोई नया वेरिएंट आ गया तो वैक्सीन तो फेल हो जाएंगी, तो उसके अलावा हमारी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज हैं उनको और बहुत तेजी से बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। बिल्कुल राजेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से चुनाव और कोरोना साथ में बढ़ने की आशंका है, अक्टूबर में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है, ये कयास लगाए जा रहे हैं WHO के द्वारा। वहीं दूसरी तरफ 2022 का चुनाव भी करीब है, ऐसे में चुनाव प्रचार और कोरोना एक साथ ही आगे बढ़ेगा। क्या लगता है, क्या सरकार इस बार चुनाव को चुनेगी या कोरोना पर लगाम लगाएगी? क्या चुनाव टाला जा सकता है कोरोना की वजह से? देखिए, ये तो एक राजनीतिक विषय होता है, लेकिन जहां तक मेरी समझ है इस संबंध में, मुझे लगता है कि अगर तो थर्ड वेव आती है और नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं तो हमें किसी भी प्रकार के ऐसे उत्सवों से बचना चाहिए जिसमें भारी मात्रा में लोगों के एक जगह पे इकट्ठा होने की संभावना, जिसे हम बोलते हैं अननेसेसरी क्राउडिंग या गैदरिंग को अवॉइड करना चाहिए। और जैसा कि हमने पिछली बार भी देखा था दूसरी लहर से पहले कि हाईकोर्ट ने भी मना किया था, सरकार को कहा था कि आप लॉकडाउन लगाइए, उसके बाद भी सरकार नहीं मानी थी और जो चुनाव थे प्रधानी के चुनाव वो कराए गए। और उसके बाद हमने देखा कि काफी पैमाने के शिक्षकों की मृत्यु हुई तो जो चुनाव में ड्यूटी में लगे हुए थे और कई ऐसे प्रधानों की मृत्यु हुई थी जो चुनाव जीत कर आए थे। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि ये सरकार के जो नीति निर्धारक तत्व हैं या जो चुनाव आयोग है ये उसका डिसीजन होगा कि अगर थर्ड वेव आती है भारत में तो चुनाव को। लेकिन राजेश जी, पिछली बार भी देखा गया जिस तरीके से कोरोना के हालात बेकाबू होते जा रहे थे, अस्पताल में बेड्स की कमी हो गई थी, लाशें रखने तक की जगह नहीं थी। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, हालात इतने भयावह थे, लेकिन बावजूद इसके सरकार पंचायत चुनाव को टालने के लिए तैयार नहीं हुई। क्या ये फिर से विधानसभा चुनाव में रिपीट होगा? मुझे कमोवेश स्थिति वैसी बनती नजर आ रही है, क्योंकि जो एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो कह रहे हैं कि अक्टूबर तक थर्ड वेव आ सकती है। देखिए, एक्सपर्ट्स का जो अपना कहना है वो कई सारे वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। जो सबसे बड़ा वेरिएबल होता है वो सोशल बिहेवियर होता है, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि चुनावी रंग चढ़ता जा रहा है उत्तर प्रदेश के ऊपर और बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं और लोग कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, लग रहा है जैसे कोरोना बिल्कुल हुई ना, तो ये सारे फैक्टर काफी हद तक एक पॉसिबिलिटी को बल देते हैं, एक आशंका को बल देते हैं कि हाँ थर्ड वेव आ सकती है और काफी तेजी से फैल सकती है। इसके पहले कि हमें समझने का मौका मिले, क्योंकि सारा खेल जो होता है 15-20 दिनों में हो जाता है। तो ये सरकार का को सोचने की आवश्यकता है कि वो क्या चाहते हैं, उनके लिए चुनाव ज्यादा जरूरी है या जनता की जान ज्यादा जरूरी है। और इस बात से जनता को भी एक सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि आप देखिए हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है, हम ज्यादातर चुनाव जातिगत विषयों पर लड़ते हैं या धर्म के नाम पर लड़ते हैं। जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बेहतर रोजगार और बेहतर जीवन के जो अवसर होते हैं उन पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। तो ये जनता को भी सोचने की आवश्यकता होगी कि आप क्या चाहते हैं सरकार से, आप सरकार से क्या चाहते हैं, ऐसी सरकार बने जो आपको मूलभूत सुविधाएं दे या सिर्फ आपके सामने जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं वैसे करते। बिल्कुल डॉक्टर राजेश, यही सवाल लेके मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से जैसे ही कोरोना कमजोर पड़ता है लोग लापरवाह होते जाते हैं, मास्क भूल जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल जाते हैं, ऐसा लगता है कि कोरोना कुछ है ही नहीं, कहीं नजर ही नहीं आता है। उत्तर प्रदेश में के अगर वर्तमान हालातों की बात की जाए तो आपको सड़क पर कोई भी मास्क लगाकर या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता हुआ नजर नहीं आएगा, चाहे आप मार्केट जाइए चाहे कहीं भी जाइए। कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर लोगों की है। डॉक्टर राजेश, क्या अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो फिलहाल डॉक्टर राजेश से हमारा संपर्क टूट चुका है। दिलीप जी,
यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि जिस तरीके से कोरोना की स्थिति देखी जाती है, जब कोरोना कमजोर होता है तो लोग लापरवाह हो जाते हैं, क्या वजह है इसके पीछे? क्या सरकार कड़ाई से सख्ती से पालन नहीं करवा पा रही? नहीं, सरकार सख्ती से कड़ाई से पालन करा पा रही है। सरकार यहाँ निर्देशित कर सकती है, सरकार निर्देशित कर रही है, लेकिन ये जो सोशल बिहेवियर है आदमी के अपने ऊपर डिपेंड करता है, उसके लिए आदमी की बहुत सारी मजबूरियां हैं। आपको ये पता है कि इस कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों का व्यापार बंद हो गया, बहुत सारे लोगों की नौकरियां छूट गई, बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चली गई। तो उस रोजी रोटी को कमाने के लिए, पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, और सरकार की सही इस तरफ से कहीं कुछ बंद नहीं है, तो हर व्यक्ति को अपना कार्य करना है, अपना काम करना है, बिजनेस चलाना है, दुकान खोलनी है, उसको अपने स्टैचुरी कंप्लायंसेस करने हैं, टैक्स के कंप्लायंसेस करने हैं, तो वो सारे कंप्लायंसेस करने के लिए उसको घर से बाहर तो निकलना पड़ेगा ना, तो वो निकलना उसकी मजबूरी है। बाजार खुलेगा तो लोग सामान खरीदने निकलेंगे, सामान खरीदना घर की जरूरतें हैं। तो इसको लापरवाही कह लीजिए या मजबूरी कह लीजिए, हाँ ये जरूर है कि हम जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है वो भूल जा रहे हैं, लेकिन अब आप सब्जी की दुकान पर चले जाइए या सब्जी की मार्केट में चले जाइए, सब्जी मंडी में आपको कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर नहीं आएगा, सड़क पे कोई नजर नहीं आएगा। तो कुछ लापरवाही है और कुछ मजबूरी है लोगों का ये काम करना, और इसीलिए जैसे अभी आपने राजनीति का जिक्र छिड़ा, आपने इलेक्शन का जिक्र छिड़ा, आपने कहा कि पिछली बार लाशें रखने की जगह नहीं थी, ये जानकारी आपकी गलत है, क्योंकि सरकार के हिसाब से तो कोई मरा ही नहीं था, कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। देखिए विधान पार्लियामेंट में भी ये बात कही गई कि ऑक्सीजन की कमी से किसी स्टेट में किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो सरकार के आंकड़ों के हिसाब से तो सब ठीक था और आगे भी ठीक रहेगा। राजेश, तो क्या ये माना जाए कि सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेने से बच रही है मौतों की? इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मौतें हुई हैं, ये प्रत्यक्ष दर्शी हैं। सरकार माने ना माने, आंकड़े कहें चाहे ना कहें, मेरे घर का आदमी मरा है तो मुझे पता है कि आदमी मरा है, सरकार उसको मना कर दे कि मैं सरकार की बात कैसे मानूं? जो जिसके घर का आदमी मरा है उसके घर का आदमी मरा है, अस्पतालों में लोग मरे हैं, मरे जगह नहीं थी तो नहीं थी, इसके लिए सरकार कुछ भी कहते रहे, सरकारी आंकड़े कुछ भी कहते रहे, जो सत्य है वो सत्य है, वो सत्य सरकार के आंकड़ों से नहीं बदलता है। लेकिन ये सत्य दोबारा से ना रिपीट हो, इसके लिए सरकार को भी बहुत तैयारी करने की जरूरत है। जैसा भी आप डॉक्टर और पेशेंट का रेशियो बता रही थी कि एक बच्चे 23,000 बच्चों पर एक बच्चों का डॉक्टर, तो अगर ये वेरियंट बच्चों के लिए हानिकारक है तो सोचिए अगर वो स्थिति आती है तो क्या हालत होगी। हालत कुछ भी होगी, सरकार का कोई नुकसान नहीं, सरकार की थोड़ी सी बदनामी होगी, बहुत ज्यादा जनता नाराज होगी, सरकार को वोट नहीं देगी, सरकार बदल जाएगी, सरकार तो रहेगी, पार्टी बदल जाएगी, राज करने वाला, गद्दी पे बैठने वाला बदल जाएगा, लेकिन जनता की स्थिति तो वही रहेगी ना। जिस परिवार का बच्चा चला जाएगा, जो परिवार अपना बच्चा खो देगा, उस बच्चे की रिकवरी तो सरकार के बदल जाने से या सरकार के चले जाने से या मुख्यमंत्री के बदल जाने से नहीं होने वाली है। तो सरकार को यहाँ पर सामाजिक दृष्टिकोण से ये भी समझने की जरूरत है कि हम सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा कैसे प्रदान करें। आप मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी करिए, जिस जोर शोर से चुनाव की तैयारियां चल रही हैं सारी पार्टियों के द्वारा, उसी जोर शोर आज देखिए कोई अपोजिशन मेडिकल सुविधाओं की अब बात नहीं कर रहा, ना सरकार कर रही, सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन दिलीप जी, अगर बाकी राज्यों से तुलना की जाए तो तीसरी लहर के लिए उत्तर प्रदेश एक कदम आगे तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू की बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने की है, आदेश जारी किया है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं देखिए, एक तरह आपने नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया, ऊपर से आपने स्कूल खोलने के आदेश दे दिए, रात 10 बजे के बाद तो वैसे ही भीड़ गिर जाती है, जरूरतमंद आदमी जरूरत 10 के बाद बहुत लोग नहीं निकलते हैं, बहुत ज्यादा दुकानें अपने आप, ऑफिस सारे बंद हो जाते हैं, प्राइवेट ऑफिस बंद हो जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस बंद हो जाते हैं, दुकानें मैक्सिमम बंद हो जाती हैं, बहुत कम ऐसी दुकानें हैं जो रात 10 बजे के बाद खुली रहती हैं। तो वो आदेश देना कहीं से जनहित में है, उससे 5-10% फायदा होगा, लेकिन मेजर फायदा, जो मेजर नुकसान, जो स्कूल खोलने के आदेश हैं, देखिए बड़े बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, कॉलेजेस खुल चुके हैं, इंस्टीट्यूशन खुल चुके हैं, सारी चीजें आज की डेट में खुली है, सिनेमा हॉल खुल गए, जिम खुल गए, सब चीजें खुल गई, तो रात 10 बजे के बाद कर्फ्यू लगा देने से कितना कंट्रोल हो जाएगा। रात 10 बजे के बाद तो वैसे ही भीड़ का रेशियो बहुत कम हो जाता है एज कम्पेयर टू डे टाइम, मतलब मुझे लगता है कि 1:10 का रेशियो होता है, अगर रात में दिन में 10% भीड़ होती है तो रात में सिर्फ एक परसेंट भी ज्यादा है, 0.5% भी शायद नहीं होगी, तो उस 0.5% पे रेस्ट्रिक्शन लगा देने से ये स्थिति आने वाली नहीं है। और सरकार की कितनी तैयारी है ये सब पता चलेगा जब ये लहर आएगी, लेकिन हम सरकार को आजमाना नहीं चाहते, हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं, हमें जरूरत है कि हम सरकार को आजमाएं, कि वो लहर आए तो हम सरकार को आजमाएं या हम बाद में सरकार को कोसें, हम तो ये कोशिश करेंगे। जनता से भी मेरी ये अपील रहेगी कि वो स्थिति आने ही ना पाए, ऐसा हो ही ना कि तीसरी वेव आए कि डॉक्टर परेशान हो, मेडिकल सुविधाएं, इन सारी चीजों के बावजूद अल्टीमेट नुकसान होता है,
वो नेचुरल लाइफ का होता है, हमारे परिवार के लोगों का होता है, हमारे अपनों का होता है, अपनों के अपनों का होता है। वो स्थिति दोबारा से इस देश में, इस प्रदेश में नहीं आनी चाहिए। वो स्थिति बहुत भयावह है। इसलिए मैं फिर रिपीट करूंगा कि सरकार ने रात 10 बजे के बाद कर्फ्यू का आदेश किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे कई गुना अच्छी बात ये होगी जब वो स्कूल को बंद करने का आदेश कर दे, स्कूल को जो खोलने का आदेश है वो आदेश वापस। बिल्कुल दिलीप जी, ये जो आदेश है, जैसा कि आपने कहा कि इसका कोई मतलब नहीं है रात 10 बजे के बाद कर्फ्यू लगाने का, वहीं दूसरी तरफ दिलीप जी ये भी देखा जा रहा है कि कोविड टेस्टिंग, जो दूसरे राज्य से यात्री आ रहे हैं, आज ही रायबरेली में 6 मामले सामने आए हैं कोरोना के, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही यहाँ भी सामने आ रही है कि जो दूसरे राज्य से लोग आ रहे हैं वापस, उनकी टेस्टिंग कहीं नहीं हो रही। हाँ, नहीं हो रही और हो भी नहीं पाएगी। देखिए होता क्या है, ये हमारी भी आदत है, सरकार की भी आदत है कि जब स्थिति भयावह होती है तो हम सब सचेत हो जाते हैं, और जैसे ही स्थिति नॉर्मल होती है हम सब धीरे धीरे लापरवाही की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब इंटर स्टेट ट्रैवलिंग पहले मना थी, अब हो रही है। रात 10 बजे के बाद जो ट्रेनों में भीड़ हो पाएगी, जो रेलवे स्टेशन में भीड़ हो पाएगी, वो तो आप नहीं रोक पाएंगे। आप जो जो भी जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के प्लेसेस हैं, चाहे बस स्टेशन ले लीजिए, चाहे रेलवे स्टेशन ले लीजिए, चाहे एयरपोर्ट ले लीजिए, वहां पर रात 10 बजे के बाद अगर किसी को ट्रेन पकड़नी है तो वो जाएगा ही जाएगा, वो भीड़ आप नहीं रोक पाएंगे। सिर्फ दुकानें बंद करा देने से कोरोना रुकने वाला नहीं है। और इंटर स्टेट, जैसे मान लीजिए केरला और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आज कोरोना के केसेस हैं, अगर केरला से कोई व्यक्ति यहाँ पर आ रहा है तो मान के चलिए कि वो कोरोना लेकर के आ रहा है, बट आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर वो डायरेक्ट ट्रेन केरला से आ रही है तब तो आप एक बार को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन वो वाया दिल्ली घूम के आ गया तो आप कैसे पता करेंगे कि वो कहाँ से आ रहा है? तो यहाँ पर जो व्यक्ति चल रहा है उसकी भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को सेव करे, क्योंकि वो अगर कोरोना से पीड़ित है तो वो भी ग्रसित होगा और अपने साथ साथ कई लोगों को और परेशान करेगा, और अल्टीमेटली फिर पूरा देश परेशान होगा, जैसे दो बार हम लोग देख चुके हैं। सेकेंड वेव में तो जो स्थिति रही है वो बहुत ही भयावह थी, ईश्वर ना करे कि वो स्थिति दोबारा से रिपीट हो। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, सरकार का अपना काम है, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी तरफ से अपनी जो सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसका निर्वहन करें। लेकिन सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो अननेसेसरी चीजें हैं उनको अभी भी ना खोले। एजुकेशन सिस्टम वर्चुअल मोड पर बहुत ज्यादा अडेप्टिव हो गया है छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चे ठीक तरीके से पढ़ रहे हैं, उस तरीके से नहीं पढ़ पा रहे जिस तरीके से वो स्कूल जाके पढ़ेंगे, बट उनकी जान से खिलवाड़ को, उनकी जान को रिस्क पे लगाने से अच्छा है कि वो वर्चुअल मोड पे ही पढ़ाई करें, स्कूल ना खोले जाए, कॉलेजेस ना खोले जाए, हॉस्टल ना खोले जाए, क्योंकि छोटे बच्चे 7-8-10 साल के बच्चों से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेंगे, वो पूरे टाइम मास्क लगाए रहेंगे, वो हाथ धोते रहेंगे, ना स्कूल इतना ध्यान दे पाएगा और ना बच्चे इतना ज्यादा कर पाएंगे। बिल्कुल राज, माफ कीजिएगा दिलीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देश में जहां कोरोना के बढ़ते मामलों से चिंता बढ़ती जा रही है, वहीं उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और कोरोना की तीसरी लहर भी देश में दस्तक देने जा रही है। दूसरी लहर के दौरान जो गलती केंद्र और राज्य सरकारों से हुई, वो गलती सरकार तीसरी लहर के दौरान नहीं दोहराना चाहेगी। बड़ी बात यह है कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकना और उसी दौरान विधानसभा चुनाव भी कराना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। खैर, यूपी की योगी सरकार बाकी राज्य सरकारों से कोरोना को रोकने की तैयारी में एक कदम आगे चल रही है, लेकिन ये बात लोगों को भी समझनी होगी कि जान है तो जहान है, लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।